वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मशरूम मसाला की रेसिपी। ये बहुत ही ऑसम इसका टेस्ट होता है। इसे आप रोटी पराठा या पूरी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता चक्रवर्ती। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मशरूम को अच्छे से साफ़ करके मैंने इस तरह से काट लिया है। इसे मैं इस तरह ऑयल में डाल दूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए फिर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। फ्राई हो चुके हैं हमारे मशरूम, इसे अच्छे से निकाल लेंगे मशरूम को एक प्लेट में। देखिए मैंने सारे मशरूम को निकाल लिया है प्लेट में। अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल जो था उसे मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें तो दालचीनी और थोड़े से मैंने जीरे और एक तेज़पत्ता को मैंने तोड़ के डाल दिया। यहाँ पे मैंने दो प्याज को मैंने पेस्ट कर लिया है, उसे ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा भून चुका है, अब हम लोग इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर जाए। अब हम लोग थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। फिर हम लोग लाल मिर्च 1 चम्मच ऐड कर देंगे। लाल मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार जितना तीखा पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और यहाँ पे 1/2 चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैं 2 टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, इसे मैं ऐड कर दूँगी। अब हम लोग थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। इसे तब तक पकाना ताकि टमाटर अच्छे से गल ना जाए और इससे ऑयल निकलने लगी। देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं और ये इससे ऑयल भी निकलने लगा है और मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। देखिए इसमें ऑयल आने लगा है। अब हम लोग मशरूम को जो फ्राई करके रखे थे उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम लोग गरम मसाला 1/2 चम्मच ऐड कर देंगे और मिला लेंगे इसे। हमारा मशरूम मसाला रेडी हो चुका है। इसे आप रोटी पराठा नान या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ट्राई कर ज़रूर करें और कमेंट्स में ना बताना भूलें कि आपको कैसे लगी।
और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।